हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। एक बार फिर आप सभी के सामने मैं आशीष वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। तो आइए आज हम देखते हैं स्टूडेंट्स कुछ और वर्ब्स जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। कल हमने कुछ वर्ब्स देख ली थी और आपको याद भी करवा दिया था। फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब और थर्ड वर्ब हमने कर ली थी स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हमारे पास में कुछ और वर्ब्स हैं। उम्मीद करता हूं कि पिछली वाली जो है वो आपने याद कर ली होगी। हम आपकी जूम मीटिंग जल्द ही लेंगे जिसमें मैं आपसे सुनूंगा वो सारी की सारी वर्ब्स। तो देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए एवरीवन, हमारे पास में आज की पहली जो वर्ब है वो कुछ इस टाइप से है। देखिए 25th, बाइट। बाइट मतलब दांत से काटना। सेकेंड फॉर्म है बिट, बिटन। बाइट, बिट, बिटन। नेक्स्ट है ब्लीड। 26th, ब्लीड। ब्लीड यानी होता है खून बहना। ब्लीड, ब्लैड, ब्लैड। 27th, ब्लेस, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना। नेक्स्ट देखिए ब्लो। ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना, हवा का बहना या फिर फट जाना, है ना। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है ब्लू, ब्लॉन। नेक्स्ट देखिए 29, बॉइल मतलब कि उबलना, बॉइल्ड, बॉइल्ड। ब्रेक, सॉरी 30 है बोरो मतलब कि उधार लेना, बोरो, बोरोड, बोरोड। सेकंड फॉर्म के अंदर आप ईडी लगा दीजिए और थर्ड फॉर्म में भी आप ईडी लगा दीजिए, बस इतना सा फर्क है। नेक्स्ट देखिए 31, ब्रेक। ब्रेक यानी होता है तोड़ना। ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई जगह पर काम आती है। ब्रीथ 32, ब्रीथ, ब्रीथ, ब्रीथड, ब्रीथड, ठीक है, सांस लेना। 33, ब्रीड। ब्रीड मतलब कि पालन करना या फिर उत्पन्न करना। ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड, ओके। 34th है ब्रिंग। ब्रिंग यानी लाना। सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट, फिर थर्ड फॉर्म है ब्रॉट। नेक्स्ट देखिए 35, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है प्रसारण करना, किसी चीज का प्रचार करना, जैसे कि वो पर्चे बांटते हैं ना गलियों के अंदर लोग, वैसे प्रचार करना, किसी भी चीज को पब्लिसिटी करना, मतलब कि ब्रॉडकास्ट। इसकी थर्ड फॉर्म है ब्रॉडकास्ट और इसकी सेकंड फॉर्म भी है ब्रॉडकास्ट, मतलब तीनों फॉर्म क्या है हमारी सेम है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं हम आपके सामने। 35th हमने कर ली है और देखिए नेक्स्ट 36 हमारे पास में है बिल्ड। बिल्ड यानी होता है बनाना, कोई भी घर बनाना, कोई भी कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर हम वर्ड यूज करते हैं बिल्ड यानी बनाना। तो बनाना बिल्ड, सेकंड फॉर्म है बिल्ड, थर्ड फॉर्म बिल्ड, बस डी की जगह पर टी लग जाएगा। नेक्स्ट 37 देखिए बर्न। बर्न, बर्नड, बर्नड, चाहे ईडी लगा दो चाहे टी लगा दो, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म देखिए, बर्न यानी होता है जला डालना। नेक्स्ट देखिए 38, बस्ट, बी यू आर एस टी, बस्ट, इसको बोलेंगे बस्ट। बस्ट यानी होता है विस्फोट होना, सेकेंड फॉर्म है बस्ट, थर्ड फॉर्म भी क्या है बस्ट है, सेम रहती है तीनों ही। 39 देखिए बाय मतलब कि खरीदना, सेकेंड फॉर्म बॉट, थर्ड फॉर्म बॉट। फोर्थ देखिए कॉल। कॉल यानी कि बुलाना, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। नेक्स्ट देखिए 41, कैन, इसकी सेकंड फॉर्म है कुड और थर्ड फॉर्म भी क्या है कुड। 42 केयर, इसकी सेकंड फॉर्म केयर्ड, थर्ड फॉर्म भी केयर्ड। केयर यानी देखभाल करना, किसी की भी केयर करते हैं जो। 43 देखिए कैरी। कैरी का मतलब होता है उठाना या फिर ले जाना, इसमें लिखा हुआ नहीं है ले जाना, आप देख सकते हैं। कैरी मतलब होता है उठाना या फिर ले जाना, सेकेंड फॉर्म है कैरिड, थर्ड फॉर्म भी है कैरिड। वाई को हटा के आई ई डी लगा दिया गया है यहां पे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स कास्ट, सी ए एस टी, कास्ट। कास्ट की थर्ड फॉर्म भी कास्ट होती है, सेकेंड फॉर्म भी कास्ट होती है, ये सेम वैसा ही है। आप देखिए 35, ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट, 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 तीनों सेम होती है, लास्ट में कास्ट वर्ड आ रहा है, तो कास्ट की भी यही होती है, कास्ट, कास्ट, कास्ट। देखिए 45 हमारे पास में कैच मतलब कि पकड़ना, बॉल कैच करता है ना खिलाड़ी, वो वाला कैच ही है, तो कैच, कॉट, कॉट। 45 हो गई हमारी। नेक्स्ट देखिए 46, चीट, किसी को धोखा देना, चीट, चीटेड, चीटेड। नेक्स्ट आता है चाइड। चाइड यानी होता है साहब डांटना या फिर फटकारना, लिख लीजिए आप, फटकारना भी होता है इसका मतलब, चाइड का मतलब, चाइड, चाइडेड, चाइडेडन या फिर चिडन, आप थर्ड फॉर्म को चिडन भी बोल सकते हैं, सी एच आई डबल डी ई एन, चाइड, चाइडेड, चिडन, ठीक है स्टूडेंट्स। और या फिर आप छोटी वाली भी याद कर सकते हैं, चाइड, चिड, चिड, ओके। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट चूज,
चूज मतलब कि चुनना, सेकेंड फॉर्म है चोज, थर्ड फॉर्म है चोजन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 48 वर्ब्स हमने कर ली है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स 49, क्लीन, क्लीन यानी कि साफ करना, सेकेंड फॉर्म क्लीन्ड, थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। नेक्स्ट आता है क्लीव, क्लीव यानी होता है अलग करना, क्लीव, ग्लोव, क्लेफ्ट। क्लाइंब 51 है, क्लाइंब, क्लाइंब यानी चढ़ना, थर्ड फॉर्म क्लाइंब्ड, सेकेंड फॉर्म भी क्लाइंब्ड। 52 देखिए, क्लिंग, क्लिंग, क्लंग, क्लंग मतलब कि चिपके रहना, क्लिंग का मतलब होता है चिपके रहना। 53 है क्लोज, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, बस आगे ईडी लगाना है आपको, क्लोज यानी बंद करना। नेक्स्ट है क्लोथ यानी कि कपड़े पहनना, और क्लोथ्ड, क्लोथ्ड। कम, कम यानी आना, कम, कैम, कम। इसमें फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम है, मैं 55 नंबर की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, कहीं आप भूल जाएं। 56 कंप्लीट, सेकेंड फॉर्म कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म भी कंप्लीटेड। 57 कुक, कुक यानी भी खाना बनाना होता है, कुक खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है, कहते हैं ना आई कुक दिस डिश, तो वहां पर कुक यूज होता है, सेकेंड फॉर्म कुक्ड, थर्ड फॉर्म भी कुक्ड। नेक्स्ट देखिए कॉपी, कॉपी, कॉपीड, कॉपीड। 59 है इस पेज की लास्ट, कोस्ट, COST, कोस्ट, कोस्ट यानी होता है कीमत चुकाना, सेकेंड फॉर्म भी कोस्ट है और थर्ड फॉर्म भी कोस्ट है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, 60 हमारे पास में, काउंट, काउंट यानी गिनना, काउंटिंग करते हैं ना वो वाला काउंट यानी गिनना, काउंटेड, काउंटेड। 61 क्रीप, क्रीप यानी कि रेंगना, सांप का रेंगना क्रीप होता है, क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट। 62 है क्रॉस, क्रॉस्ड, क्रॉस्ड, क्रॉस यानी कि पार करना। 63 क्रो, क्रो यानी काउ, काउ करना, इसका होता है सेकेंड फॉर्म क्र्यू, क्रॉड, ये आप याद कर सकते हैं, या फिर आप क्रॉड, क्रॉड भी याद कर सकते हैं, दोनों दी हुई है, जो आपकी मर्जी करे वो आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है 64 क्राई, क्राई यानी होता है रोना, सेकेंड फॉर्म क्राइड, थर्ड फॉर्म भी क्राइड। देखिए नेक्स्ट बड़ी प्यारी 65 कट, सीयूटी कट है, कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, कट, 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 कट यानी काटना या फिर चीरना। 66 है स्टूडेंट्स हमारे पास में डील, डील, डील्ड, डील्ड, डील का मतलब होता है व्यापार करना या फिर सौदा करना। नेक्स्ट है डिसीव, डिसीव यानी होता है किसी को धोखा देना, इसकी सेकेंड फॉर्म है डिसीव्ड, डिसीव्ड। 68 देखिए डेकोरेट यानी कि सजाना, सेकेंड फॉर्म है डेकोरेटेड, थर्ड फॉर्म भी है डेकोरेटेड। 69 देखिए स्टूडेंट्स डाई यानी कि मर जाना, मृत होना, डाई, डाइड, डाइड। 70 देखिए स्टूडेंट्स डिग, डिग यानी होता है खोदना, वो जेसीबी आती है ना पीले कलर की, जिसको कई लोग बैठे बैठे देखते हैं जिनको काम नहीं होता, तो वो खोदती है, उसको बोलते हैं डिग, तो डिग, डग, डग। 71 देखिए स्टूडेंट्स डिवाइड, डिवाइड यानी कि भाग देना, आपको पता होगा डिवाइड, डिवाइडेड, डिवाइडेड। ओके स्टूडेंट्स 72 है हमारे पास में डू, डिड, डन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काम आएगी कई जगह पर, डू, डिड, डन, किसी को करना, किसी भी काम को करना तो बोलते हैं डू। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास में 72 वर्ब की फॉर्म्स थी जो अब तक हमने पढ़ ली है। मैं आज के लेक्चर में आपको यही बताने वाला था, और स्टूडेंट्स आपको ये सभी याद करनी है, इनमें से कई वर्ड्स तो ऐसे हैं जो आपको पहले से ही आते होंगे, छांट के आपके लिए ये वाले बनाए हैं जिसके अंदर आप आराम से याद करें इनको, अगर आप याद करोगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी इंप्रूव होगी, आगे आप जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे आपकी इंग्लिश अच्छी इंप्रूव होती जाएगी। वैसे तो ये हजारों लाखों हैं वर्ब्स, लेकिन मैं आपको कुछ लिमिटेड ही करवाऊंगा, बाकी जैसे जैसे यूज आती रहेगी वो हम बीच बीच में पढ़ते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो आज के हमारे लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कल तक इन सबको याद कर लेंगे, और मैं आपसे सुनूंगा जूम मीटिंग में। मैं फिर से बता रहा हूं, कोई नया बच्चा हमारे बीच में है तो वो नीचे कमेंट कर सकता है जूम मीटिंग के लिए, और जब वो कमेंट करे अपना नंबर दे दे मुझे व्हाट्सएप नंबर, ताकि मैं जूम मीटिंग के लिए उस बच्चे को बता सकूं, या फिर वो मेरी ईमेल आईडी के ऊपर अपना नंबर सेंड कर सकता है ashu.verma7610@gmail.com। ये मेरी पर्सनल ईमेल आईडी है, चैनल की नहीं है, आप इस पर सेंड कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आज के लिए जितना मैंने पढ़ा दिया है
आप याद कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।